अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैर से होंगे, जिंदगी अच्छी और खुशहाल जा रही होगी। ये देख ले दोस्तों, यहाँ पर यार आग लगी हुई है। यहाँ पर दोस्तों पंप भी है, सीएनजी स्टेशन के करीब दोस्तों आग लगी है। यहाँ पर शायद ये गोदाम है दोस्तों, कबाड़ की गोदाम है, तो इसी वजह से यहाँ पर आग लगी है दोस्तों। ये देख ले यार, अल्लाह खैर करे यार, अल्लाह खैर करे। हमने दोस्तों 112 को कॉल भी कर दिया दोस्तों, शायद वो भी आ जाएंगे और अल्लाह बाकी खैर करे दोस्तों। हम अभी इस्लामाबाद से आए, तो अभी हमने देखा, तो यार मैं सोच रहा था कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। ये लोकेशन है पिशावर रिंग रोड है दोस्तों, ये सीएनजी शान सीएनजी के साथ बिल्कुल नज़दीक है दोस्तों। और मैंने कॉल भी कर दिए, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी दोस्तों, अल्लाह बाकी खैर करे। देखते हैं यार, अब हम रवाना हो गए दोस्तों, यहाँ पर बैठ जाते हैं। हमने आपको दिखा दिया दोस्तों, और कॉल भी हमने कर ली। कॉल कर ली मामू आपने? हाँ मामू ने दोस्तों कॉल भी कर दी, अभी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो लोकेशन हमने उसको सेंड कर दी दोस्तों। तो यार टेंशन हो गई यार, ये अच्छी बात है दोस्तों कि अल्लाह ने खैर कर दी, कोई जख्मी मख्मी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ आग लगी है इंशाल्लाह। हाँ गोदाम है दोस्तों, तो इंशाल्लाह 112 बहुत जल्दी आ जाएगा और फिर इंशाल्लाह वो रिसीव कर देंगे सबको। तो अभी चलते हैं यार घर, लेट बहुत ज़्यादा हो, तकरीबन रात के 11:30 बज चुके हैं, तो लेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और अभी चलते हैं सीधा घर। ये देख ले दोस्तों, बिल्कुल तारीख है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। चलते हैं घर सीधा दोस्तों। घर पहुंच गया था और रात बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, तो व्लॉग में नहीं बना सकता था और बहुत ज़्यादा थक भी गया था। तो अभी सुबह भी हो चुकी है दोस्तों, और हमारे जो पेट्स है दोस्तों वो भी अभी घूम फिर रहे। मैंने दोस्तों शेरा को भी यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दिया ताकि ये भी थोड़ा सा घूम फिर ले। और अभी डायनासोर दोस्तों के साथ लड़ाई वड़ाई बिल्कुल भी नहीं करता, अब डायनासोर सुधर चुका है दोस्तों। मैं आपको ज़रा डायनासोर दिखा दूँ, अब ये बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करता डायनासोर। अब तू लड़ाई नहीं करता ना, पहले तू क्यों लड़ाई कर रहा था ये ज़रा बता दो मुझे, ज़रा बताओ ना। बस सही दोस्तों, अब ये सही हो गया, अब ये लड़ाई वड़ाई नहीं करता, क्योंकि यार आपने जैसा देखा कि ईद के पहले दिन दोस्तों इसने लड़ाई की है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो वीडियो देख ले, फिर इस वीडियो को एंजॉय करे। हमारे डकी गैंग भी दोस्तों यहाँ पर घूम फिर रहे हैं, और एज पर हमारे थोड़ा सा गंदा हो चुका है, मैंने इनके लिए दोस्तों पानी यहाँ पर रखा था, ये पानी भी गंदा हो चुका है, तो ये पानी भी मैं दोस्तों चेंज कर देता हूँ। शायद यहाँ पर अभी भी रोटी गीली गीली पड़ी है ना, तो इन्होंने रोटी भी खाई है, और ईद का दिन इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया दोस्तों। हमारा ईगल जो है ना वो भी दोस्तों खूब मजे में और एज पर मारे, और जिस तरह दोस्तों हमने इनको अकेला छोड़ा था, तो ये वो दिन इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गुजारा है दोस्तों। खाना वाना भी इनके लिए दोस्तों पड़ा था, और खूब अच्छी तरीके से दोस्तों उन्होंने वो दिन इंजॉय किए। और हम दोस्तों इस्लामाबाद गए थे, आपको खुद भी पता है दोस्तों, हमारे कबूतर भी आराम से बैठे हुए हैं दोस्तों, बाजरा भी पड़ा है, पानी भी इनके लिए पड़ा है, और हमारे लकी कबूतर के चिक्स भी माशाल्लाह दोस्तों बड़े बड़े हो चुके हैं। ये देख ले इधर, हर जो ये देख ले दोस्तों, हमारे लकी कबूतर के चिक्स देख ले माशाल्लाह, ये भी बड़े हो चुके हैं और बहुत प्यारे है यार, क्यूट बहुत ज्यादा है। और इन्होंने दोस्तों दोबारा से अंडा डाल दिया यार, ये सुधरने वाले नहीं है दोस्तों, इन्होंने दोबारा से अंडे डालना शुरू कर दिए। तो अभी माशाल्लाह इनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं दोस्तों, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं दोस्तों, ये देख लीजिए पीछे बैठे हुए हैं ना, ये इनके बच्चे, ये इसकी माए, आपने देखा भी होगा दोस्तों। और ये बच्चे भी माशाल्लाह बड़े बड़े हो चुके हैं और उड़ान भी अभी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस कबूतर ने अभी तक यार बच्चे नहीं निकाले, पता नहीं क्या मसला हो सकता है यार, अंडे खराब हो सकते हैं या क्या हो जाए अभी पता नहीं दोस्तों। इसके अंडों को इंशाल्लाह चेक करना पड़ेगा दोस्तों कि इसके अंडों में बच्चे बने हैं या नहीं। ये पेयर देख रहे दोस्तों, पता नहीं दोस्तों ये कब अंडे डालना शुरू कर देगी, क्रॉस तो बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रही दोस्तों, लेकिन अंडे इन्होंने अभी तक नहीं डाले, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द डाल देगी, उम्मीद यही है दोस्तों। क्योंकि ये देख रहे दोस्तों, ये देख ले दोस्तों, इन्होंने जगह अपने लिए बनाई भी है, जूम नहीं हो रहा यार, हाँ अभी जूम हो गया। ये देख ले दोस्तों, ये जगह अभी इन्होंने बनाई है और वो जगह भी इन्होंने बनाई है दोस्तों, यार ये जूम क्यों नहीं हो रहा, हाँ अभी हो गए दोस्तों। ये देख ले वो वाली जगह, वो जगह भी इन्होंने अपने लिए बनाई है, तो इंशाल्लाह मैं इसके लिए यहाँ पर टोकरी भी रख दूंगा कि जो जिसमें वो अंडा डाल दे। सही है रेजा, मैं तुम्हारे लिए टोकरी रख दूंगा, सही है। और बबलू तू तो सही है ना, खोल नहीं सकता तुम्हें, अच्छा यार बाहर शेरा घूम रहे, सही है। और हमारे दोस्तों चिक्स भी यहाँ पर घूम फिर रहे और अच्छे तरीके से दोस्तों इन्जॉय कर रहे हैं, पानी भी इनके लिए पड़ा रहता है दोस्तों, और दाना वाना भी इनको हम टाइम पर डाल देते हैं। भाई जब यहाँ सर जाओ, दरवाज़ा मैं बंद करते हैं दोस्तों, क्योंकि यार ये बाहर आ जाते हैं, तो इसलिए यार वादा मैंने बंद कर दिया। और अंदर से ही मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, ये देख ले, ये माशाल्लाह हमारे बच्चे, बाहर नहीं आना ना, बाहर नहीं आना, सही है। ये देख ले दोस्तों, शौक करें इनका। और हमटी डमटी को देख ले दोस्तों, ये किस तरह आराम से एक घास खा रहे, ये देख ले दोस्तों, ये देख ले। यहाँ पर हमने दोस्तों इनके लिए आटा रखा था, तो अभी ये आटा भी खा रहे हैं, और इनको आटा भी दोस्तों अच्छे तरीके से बहुत पसंद है। वो डब्बू तुम क्या कर रहे हो, किस तरह आराम से बैठे हो, लेकिन तुम गंदे कितने हो गए यार डब्बू, तुम कितने ज्यादा गंदे हो चुके हो, इधर ना नहाओ ना, पानी तो तुम्हारे लिए पड़ा है वहां पर, जाओ नहाओ वहां पर जाओ। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो रैबिट्स, क्या कर रहे हो,
ये देख ले दोस्तों, पता नहीं क्या कर रहे, आटा खाने की कोशिश कर रहे। तो खाओ खाओ शाबाश, आराम से खाओ, आराम से खाओ। अच्छा मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा दोस्तों, ये डायनासोर है और अभी ये लड़ाई नहीं करता, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके जो पर है दोस्तों, यार ये खराब होने वाले, शायद ये कुरिस करने वाला है, क्या मसला है इसके साथ। जब ये स्टार्ट कर देगा दोस्तों यार, तो फिर दोस्तों बहुत गंदा दिखेगा। तो इस तरह यही सही है। मैं दोस्तों वहां पर वीडियो स्क्रीन पर आ था, लेकिन यार इन्होंने जंप कर दिया, यहाँ पर आ गए डायरेक्ट, तो इसलिए मैं दोस्तों यहाँ पर आ गया। और अभी दोस्तों इसका जो कील है दोस्तों, ये भी माशाल्लाह उगने लगे और इसको इंशाल्लाह जल्दी इसके कील भी आ जाएंगे और फिर ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लड़ाई करेगा। दोस्तों मैं नज़दीक नहीं जा रहा दोस्तों, क्योंकि यार फिर डर जाता है, शेरा भी कड़ा है और फिर मुझसे भी डर जाता है, तो इसी वजह से मैं नज़दीक नहीं जा रहा। और शेरा भी अपने मुर्गों को बुला रहे कि आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ खाना खा लो। लेकिन नहीं दोस्तों, इसको भी खुला नहीं छोड़ते, ये चला जाते हैं वहाँ पर इसके बबलू के साथ लड़ता है दोस्तों। फिर ऐसी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको बरक मिल सके। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नई मौजू के साथ, तब तक के लिए जाते दो में याद रखे वाह। और दोस्तों मैंने यार 1122 पर कॉल भी कर ली थी और फिर यार फायर ब्रिगेड भी वहाँ पर आ गई थी और फिर सारी क्या हो रहा है यार, बात करने के लिए नहीं छोड़ रहे दोस्तों। और फिर वो आग दोस्तों यार बुझ गई थी, आग बुझा ली दोस्तों। फिर मैंने उसके साथ रब्ता भी किया, वो कह रहे थे कि अभी कोई खतरा नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा, तो बिल्कुल यार अल्लाह ने खैर कर दी।